चेक करें जी, माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह के टाइम से मुराद है कि तकरीबन टाइम हो रहा है 10 का, और मैं आया हूँ बाइक पे। इधर जो है सोलर की आप हालात देख लें, नीचे वाली जो प्लेट्स हैं इनकी सफाई है, ऊपर वालों की नहीं है। घरों के साथ दो दिन पहले, कल नहीं परसों वाले दिन, दो दिन पहले हमने जो है ट्यूबवेल चलाया था, तो ऊपर वाले जो खेत हैं उनकी भराई कर दी थी खेतों की। तो अभी हम चला रहे हैं सोलर, क्योंकि उस दिन पीटर ने काफ़ी डीज़ल पिया है, काफ़ी मेरा 3-4 हज़ार का डीज़ल लग गया, वो भी थोड़े से खेत में ना, इंजन जो है डीज़ल ज़्यादा पी रहा है। तो अभी हम ये चला रहे हैं सोलर, जो अभी सोलर की जो अंदर से नीचे से ना बोर की कोई टिक्की वगैरह थी वो कल फंस गई थी, वो सेट हो गई है। अभी मैंने चलाया लेकिन ना उसने ट्यूबवेल ने पानी नहीं उठाया, तो ये डूला जा रहा है। अच्छा तू वाणी उठी कर देना, मैं सफर को फोन कर, सफर उठी कर, डब्बा वाला को चाहिए बन गाने बारे सुने गाने क्या हो ना, मैं अमदा पे सफर। अच्छा डब्बा चाहिए बन, खैर खैर ठंडा पानी पी दी वनी, हेलो ठंडा पानी पी दे वनी। लड़के ने सुबह की है स्प्रे, इस वजह से काफ़ी थोड़ा सा गर्म हुआ है। अभी मैंने इसको फटीक देनी है ना सारे दिन की, ये पानी लेके जाना उतर के तो साथ, इस वजह से ना थोड़ा सा ना और हिसाब का हो रहा है। तो ये भी चलाती हैं, अल्लाह खैर करेगा ये चल जाएगा। और मौसम जो है काफ़ी हद तक जो है अच्छा और सुहाना और प्यारा बना हुआ है। ये देख कर ये सब्ज़ी लगी हुई है, लही बख्श ने भिंडी लगी हुई है, कद्दू लगा हुआ है, और भी बथेरे जो है ना वो सब्ज़ी वगैरह लगी हुई हैं। और ये गन्ने की फसल है हमारी माशाल्लाह, अभी 4 माह रह गई हैं मिल चलने में, सर्दी में आ जाएंगी 4 माह तक, और ये फसल भी माशाल्लाह तैयार हो जाएगी। अभी इसको भेजते हैं उधर, उधर ये जाएगा और मैं जफर भाई को कॉल करूंगा और इसमें ट्यूबवेल में जाके पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद फिर ट्यूबवेल को चलाएंगे। चल गया ठीक है, ना चला तो अल्लाह की मर्ज़ी। दोस्तों आपको एक वफा दिखाता चलूँ, इनकी मेरे जो राहक हैं उनकी गायें थी, तो इन्होंने बहुत ही प्यारा सा बच्चा दिया है। तकरीबन ये 6-7 माह की हो गई है वैड़ी, और बहुत ही प्यारी है। छोटी जो थी उस वक्त बहुत ही प्यारी थी, लेकिन अभी भी प्यारी है। इसका फेस आप कुछ चेक कराता हूँ, ये चेक करें, थोड़ी थोड़ी सी ना मैली हो चुकी है, लेकिन फिर भी खूबसूरत है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग कर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सीन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हूँ अभी खेतों में, इतने लई बस के घरों के साथ सोलर ट्यूबवेल चलाना है, तो बैठी हैं पानी नहीं उठा रहा सोलर ट्यूबवेल, तो लड़के को भेजा उधर। और माशाल्लाह चेक करें हवा कितनी ही प्यारी चली हुई है, बहुत ही खूबसूरत हवा चली हुई है, और साथ साथ मुझे कॉल भी आ गई है, बारिश नहीं आ रही, दुआ करें कि हमारी साइड पे बारिश आ जाए। हम चलते हैं और बटन को सट के देखते हैं, खट्टा बटन चल पवे मत पानी चाह गए। हाँ चल मेरे को डसा वाला, नहा के आई हूँ दोस्तों मैं अभी, और फिर गर्मी से लथपथ हो चुका हूँ। ये चेक करें जी, इसके ऊपर 50 पॉइंट पूरी हैं। अभी मैंने यहाँ से रन करना है और ये चाल पड़ेगी, लेकिन जाके पहले लड़का पानी डालेगा, उसके बाद जो है मैं इसका बटन दबाऊंगा ताकि फिर पानी जल्द जल्द उठा ले। बटन जो दोस्तों मैंने प्रेस कर दिया है, अभी पता लगेगा कॉल आएगी तो पानी उठाया नहीं उठाया बाद में पता लगेगा। ये चेक करें 50 पॉइंट फुल होते हैं इसके, लेकिन अभी 41-42 आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ट्यूबवेल ने जो है पानी उठा लिया है, अभी चलते हैं उधर, वहाँ पर जो धान की फसल जो है काश्त की जा रही है वो भी आपको चल के दिखाते हैं, और ट्यूबवेल का थोड़ा माहौल भी दिखाते हैं, फिर निकलते हैं घर, क्योंकि बाइक अबू को ज़रूरत है और अबू की कालें आ रही हैं। जी जी पहुँच गए हैं खेतों की तरफ, चेक करें, ये चेक करें ये धान की फसल जो इधर काश की जा रही है, चेक करें, कुछ हद तक जो है काश हो चुकी है और कुछ जो है हो रही है। पानी जो है ट्यूबवेल का आ चुका है, चचेले जी बस की हालत ना दिखाने वाली है, फिर भी आपको दिखा देती हैं। और खाले में जो है पानी
रवा दवा है और मिस्टर डोला इधर खड़े। दोस्तों चेक करें माशाल्लाह इधर गन्ने की फसल जो है कितनी बड़ी है, इसकी हाइट भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर चावल काश करने का करने की क्या वजह है, यहाँ पर हमने करने दी कि गन्ने की फसल काश, जो इसका बीज होता है वो हमें नहीं मिला, मिला है लेकिन कम मिला है। फिर हमने सोचा कि यार कायनात इसमें ना हम चावल काश कर देंगे, और टाइम आया कायनात का तो हमने आज काश कर दिया है। बीज जो इसका काफ़ी महंगा मिला है लेकिन अच्छा मिला है, काफ़ी बड़ा बड़ा है। तो अभी चल रहा हूँ ट्यूबवेल की तरफ, आपको ट्यूबवेल का हाल हवाल देते हैं। और इसके साथ जो हमने ना काश करना था गन्ने की फसल, उधर काश करनी थी लेकिन हमें उधर जो ना काश करना पड़ रहा है, वो भी फसल है वो भी हो जाएगी 3-4 माह में तैयार, और चावल ये गन्ने की फसल भी हो जाएगी तैयार। ट्यूबवेल की तरफ चलती हैं, आपको ट्यूबवेल का सारा अपडेट दे के फिर निकलती हैं घर की तरफ। ये चेक करें जी, ये ट्यूबवेल चल रहा है और इसकी स्पीड कुछ ख़ास नहीं है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा नहीं है और जिसकी वजह से जो है ना इसका प्रेशर नहीं बन रहा, फिर भी ठीक हाल में चल रहा है, सही चल रहा है फिर भी। ट्यूबवेल का पानी काफ़ी ठंडा है, काफ़ी ठंडा है। यहाँ पर नहर निकल रही है, जा रही है, ये किसी और का टाइम चल रहा है, किसी और के खेत में जा रहा है, हमने जो यहाँ पर बंद दिया हुआ है ताकि पानी ट्यूबवेल का इधर ना जाए, इधर जा रहा है। अभी चलते हैं और चल के आपको सारी अपडेट देते हैं। पानी तकरीबन पहुँचेगा एक घंटे के अंदर अंदर पानी जो है ना घरों वाले जो खेत है ना उस तरफ पहुँचेगा। चेक करें दोस्तों, ये जो दुकानें मैंने आपको हाल ही में दिखाई थी ये सारी जो है ना रेंट पे हैं, और मैं इधर आया हूँ अपने पुरानी बाइक का थोड़ा सा काम था वो करवाने के लिए। चेक करें ये पुराने वाली बाइक, इसका जो है ना एक ये वाला स्विच हो गया और एक लॉक स्विच हो गया, ये वाला ये लॉक हो गया, ये दोनों चेंज करने हैं। इसका ऑयल भी जो है वो चेंज करना है, और इसकी जो है ना सलेंसर वाली सील है वो भी चेंज करनी है, सामान वो सामने पड़ा है। अब इसको फटाफट से चेंज करवाती हैं और फिर चलती हैं घर की तरफ। क्या हम जल्दी कर, तेरी वीडियो बढ़ दी पी है, तू कौन थी नी भाई, तू कौन थी नी, चांडे थी नी जी। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम शाम करने के बाद, बाइक सेट करवाने के बाद और छोटे मोटे और काम करने के बाद फाइनली मैं घर आ गया हूँ। तो घर में बने हुए चावल, और चल के ना अभी अपने राहक डोली को चल के चावल देती हैं, उसके बाद फिर शॉप पे देती हैं, फिर आके कुछ रेस्ट करती हैं, सुकून का सांस लेते हैं। सुबह का भाग सर में दिमाग में ना ऐसे 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 कर रहा हैदर भी है और अमीर हैदर भी है और हादी हसन भी है मेरा प्यारा बिट्टू। चलें जी फटाफट से भी ये काम करती हैं जी। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम काज करने के बाद मैं आया हूँ इधर खेतों में, सोचा कि जाके खेतों में चेक करूं कि पानी कहां तक पहुंचा। लोसिन जो है फुल भर चुकी है और इस जुआर में पानी जो है लगा हुआ है, और मेरा जो राख है वो टुक शुक्के खोल के चला गया है। अभी पीछे तक देख के आए हूं लेकिन वो जाहिर नहीं है, मेरे ख्याल में वो घर चला गया, क्योंकि जी नीचे वाले ना खेत में पानी लगा हुआ है वो थोड़ा नीचे है। मैंने उसको बोला था कि 2:30 बजे तक देखना, अगर ये जूस एंड फुल हो जाए तो पानी छोड़ देना। 2:30 बजे मैं इधर आया हूँ चक्का लगाने के, मैं जाके देखूँ तो वो बीच लड़का खुद है भी नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे ख्याल में घर चला गया है। लोग को इधर ही करो एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वीडियो वो कोशिश करेंगे कि अच्छी बनाएं और वीए भी बनाएं। और ये भी लोग जो है मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड लेट करने की वजह ये है कि एक तो गर्मी, ऊपर से काम काज का जोर होता है, तो इस वजह से ना 2 दिन मैं लेट हो गया हूँ। इंशाल्लाह कल से ना रेगुलर व्लॉग बनाएंगे और व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और दुआ मुझे याद रखें। ओके अल्लाह हाफिज़।